जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 8 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार। शुक्रवार माता संतोषी और माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर माता संतोषी और माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होगी रात्रि 11:06 तक। आज के दिन नवरात्रि में पत्रिका प्रवेश और निशा पूजन किया जाएगा और आज छठ व्रत का पारण किया जाएगा। कल के दिन यानी कि 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को महाअष्टमी का व्रत किया जाएगा। जो भी अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं वो 9 तारीख को व्रत को रखेंगे और उस दिन माता महागौरी का पूजन किया जाएगा। आज चैत्र नवरात्रि के व्रत में 7वें दिन माता कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। सूर्योदय सुबह 5:33 और सूर्यास्त शाम 6:09। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 10:17 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 12:37 पे। सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा मिथुन राशि में। यह बसंत ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग शोभन योग सुबह 10:31 तक, उसके बाद अतिगंड योग करण गरकरण सुबह 9:49 तक, उसके बाद वनिजकरण। नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र रात्रि 1:43 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो आज शुक्रवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से जौ खाकर बाहर निकले, इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन माता संतोषी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें तो लाभकारी होगा। जो भी शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन खटाई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन माता संतोषी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। दीपक जलाते हुए संतोषी माता व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए, इससे माता संतोषी अति प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है, तो जो भी माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं उन्हें माता वैभव लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए, इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 10:17 से सुबह 11:51 तक। गुली कालम समय होगा सुबह 7:08 से सुबह 8:42 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:16 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:33 से सुबह 7:08 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:08 से सुबह 8:42 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:42 से सुबह 10:16 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:52 से दोपहर 1:25 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:34 से शाम 6:09 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि 10:25 तक।
उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 11:51 से रात्रि 1:17 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:17 से रात्रि 2:42 तक। उसके बाद फिर चरण नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 2:42 से रात्रि 4:08 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभ कृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।